युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल के तत्वाधान में इस वर्ष पूरी भव्यता से नवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। समिति द्वारा इस प्रथम वर्ष में नवरात्रि की भव्यता से तैयारी की जा रही है। यूं तो युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल के तत्वाधान में बीते 27 वर्षों से दशहरे पर्व का आयोजन भव्यता से किया जाता रहा है। दशहरा पर्व के भव्य आयोजन के लिए चन्ना केशवलू के इस समिति को हमेशा से याद किया जाता रहा है। बता दें कि इस वर्ष युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल के द्वारा प्रथम वर्ष दुर्गा पूजन का आयोजन भी भव्यता से किया जा रहा है। माँ दुर्गा की विशाल प्रतिमा यहाँ पर विराजमान होगी, साथ ही चली झांकियाँ भी आकर्षण का केंद्र होगी। साथ ही साथ समिति द्वारा इस प्रथम वर्ष में विभिन्न आयोजन भी किए जाएंगे। बता दें कि माँ दुर्गा का भव्य पंडाल बनाया गया है, जिसमें 9 दिन माँ विराजेंगी। समिति के द्वारा श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी की विभिन्न लीलाओं पर आधारित मन मोहने वाली भव्य झांकियाँ भी यहाँ पर तैयार की गई है, जो आकर्षण का केंद्र होगी। पत्रकार वार्ता में युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल के अध्यक्ष चन्ना केशवलू ने आयोजन की जानकारी दी है। साथ ही साथ शहरवासियों को बढ़ चढ़कर आयोजन में शामिल होने की अपील की है। एवं सांस्कृतिक मंडल द्वारा विगत 27 वर्षों से लगातार भव्य दशहरा पर्व का आयोजन सेक्टर 7 हाई स्कूल मैदान में करते आ रहे हैं। इस वर्ष हमने प्रथम वर्ष गणेश पूजा का आयोजन किया, जिसमें भिलाई दुर्ग की जनता का अपार प्यार मिला हमें। उसी के बाद हम लोग इस बार सेक्टर 7 हाई स्कूल ग्राउंड में दुर्गा पूजा भी करने जा रहे हैं। साथ में बजरंगबली की बाल्यकाल से लेकर समस्त चली झांकियों का आयोजन भी रखा है, ताकि भिलाई दुर्ग की जनता जो स्नेह और प्यार दिया है उसी के कारण और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और आज के दिन जो जनता का आस्था जो धर्म के प्रति बढ़ा है उसी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से हमने माता दुर्गा का भी पूजा वहाँ पर रखा है। माँ दुर्गा की 9 फीट ऊँची विशाल प्रतिमा, साथ में बजरंग बली की बाल्य अवस्था से लेकर सारा संपूर्ण चली झांकियों का आयोजन रखा है। मैं भिलाई दुर्ग की सम्मानित जनता को निवेदन करता हूं कि आइए इस कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित और माता दुर्गा जी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। इस वर्ष 2800 और दशहरा पर्व का भव्य आयोजन होगा, जिसमें 65 फीट के रावण, 50-50 फीट का कुंभकर्ण मेघनाथ, साथ में काकीनाड़ा आंध्र प्रदेश की आतिशबाजी और IPL स्तर की आतिशबाजी का आयोजन देखने मिलेगा। साथ में हमने यहाँ पे सुश्री लक्ष्मी दुबे जो घर घर भगवा फहराएंगे, राष्ट्रभक्ति गीतों का आयोजन रखा है। साथ में मैं सभी भिलाई दुर्ग के समस्त लोगों को आमंत्रित करता हूँ इस भव्य दशहरा पर्व में। जिस प्रकार आप लोग हजारों की संख्या में हर वर्ष आते हैं, इस वर्ष भी आइए और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होइए। बीते 27 वर्षों से दशहरा पर्व युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल के द्वारा भव्यता से किया जाता है। इस वर्ष समिति के द्वारा प्रथम बार किया जा रहा दुर्गोत्सव का आयोजन लोगों को काफी पसंद आएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।